हे दोस्तों, वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्रेजी फॉर टीवी आपके लिए लेकर आता है हर दिन की टीवी से जुड़ी 7 छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला और बताते हैं आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज, ससुराल सिमर का चूके एक और एक्टर को कोरोना। जी, दीपिका कक्कड़ के इस फेमस शो के दूसरे सीजन में नजर आए एक्टर राजीव पॉल कोरोना पॉजिटिव है और हॉस्पिटलाइज है। वहीं अब शो में काम करने वाली एक्ट्रेस विभा भगत कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि विभा में माइल्ड सिम्टम्स ही हैं और फिलहाल वो आइसोलेशन में रिकवर हो रही हैं। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज, बेटे के लिए श्वेता तिवारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अभिनव कोहली। हाल ही में अभिनव कोहली ने श्वेता तिवारी पर बेटे रियांश के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच श्वेता उनके बेटे को होटल में अकेला छोड़कर खतरों के खिलाड़ी 11 के लिए साउथ अफ्रीका चली गई हैं। ऐसे में उनके बच्चे के लिए भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। अब अभिनव ने बेटे रियांश को पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ई टाइम्स टीवी के साथ बातचीत में अभिनव ने बताया कि 11 मई को केस की पहली सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उनसे डिटेल में एक एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कहा है। वहीं श्वेता तिवारी को भी जवाब देने के लिए हफ्ते भर का वक्त दिया गया है। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज, रुबीना की मम्मी ने दी दामाद अभिनव को बेस्ट विशेस, कही ये बात। एक्टर अभिनव शुक्ला को खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की शुरुआत से पहले अपने सास से शुभकामनाएं मिली हैं। रुबीना की मां शकुंतला दिलेक ने ट्वीट करके अभिनव को बेस्ट विशेस दी और कहा कि उनकी प्रिंसेस का ख्याल रखने के लिए वो हैं। बता दें कि बीते दिनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की पूरी टीम कैप्टन पहुंच चुकी है और शूटिंग भी शुरू हो गई है। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज, सोनी टीवी के एक और टीवी शो को लेकर आई बुरी खबर। यह सोनी टीवी के शो स्टोरी 9 मंथ्स की को अचानक टीआरपी ना मिल पाने की वजह से ऑफ एयर कर दिया गया और अब खबरें सामने आई हैं कि सरगम के 7.5 शो को भी अचानक बंद किया जा रहा है। वजह है शो को लंबे वक्त से टीआरपी ना मिल पाना। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज, गोवा राजस्थान के बाद अब तेलंगाना में लगा लॉकडाउन, रुकी शूटिंग, मेकर्स की बड़ी टेंशन। पर कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण कई बड़े बड़े शोज की शूटिंग अब अलग अलग शहरों में की जा रही है। तेलंगाना के हैदराबाद में की जा रही थी, लेकिन अब वहां भी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए लॉकडाउन लगा दिया है और शूटिंग पर पाबंदी है, जिससे शौर्य और अनोखी की कहानी, मेहंदी है रचने वाली समेत तमाम टीवी शोज की शूटिंग पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया है और मेकर्स अब सरकार की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज, देवों को आई साथिया शो के पुराने हिट किरदारों की याद। जी, साथ निभाना साथिया 2 इन दिनों काफी कमाल कर रहा है। शो लगातार टीआरपी की लिस्ट में भी जगह बना रहा है। वेल, शो से पुराने किरदारों की एग्जिट हो चुकी है और नए सीजन में नए किरदार नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से देवोरीना को शो के किरदारों की याद आई है। जी हाँ, देवो ने शो के पुराने और हिट किरदारों जिसमें कोकिला बैन, उर्मिला बैन समेत गोपी बहू भी नजर आ रही हैं की तस्वीरें शेयर की हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसे देखने के बाद फैंस भी खुश हो गए हैं। टीवी का तड़का, सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज, पापा बनने वाले हैं एक्टर शाहिर शेख, आने वाला है नन्ना मेहमान। जी हाँ, लेटेस्ट खबरों की माने तो एक्टर शाहिर शेख पापा बनने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दोनों के करीबी सोर्स ने इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि शाहिर और रुचिका ने साल 2020 के नवंबर में कोर्ट मैरिज की थी और अब दोनों जिंदगी के इस नए फेज में जा रहे हैं। हालांकि दोनों में से किसी भी स्टार ने इस बात को कंफर्म नहीं किया। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की 7 छोटी बड़ी खबर। ऐसी ही हर खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए क्रेजी फोर टीवी के साथ।